तौर पे चुनावी दृष्टिकोण से देखता हूं कि चुनाव बस दरवाजे पे खड़ा है, समझ लीजिए दस्तक देने वाला है। जैसे ही आचार संहिता लागू हो जाएगी तो आप समझ लीजिए कि चुनाव में हम आ चुके हैं। अगले महीने मोस्ट प्रोबेबली चुनाव की तारीखें अगले महीने की क्लियर हो जाएंगी। देखिए आपको, आपने दो रैलियों की, प्रधानमंत्री की दो रैलियों का जिक्र किया। आपको जो अभी रिसेंट में तीसरी रैली, जो पहली रैली थी, उसकी भी बात करनी चाहिए थी। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक शैली है, उनका एक अपना स्टाइल है, और वो चीजों को बहुत ही घुमा फिरा के प्रस्तुत नहीं करते हैं। वो सीधे सीधे जो उस समय का जो टॉपिक्स होता है, उस समय के जो मुद्दे रहते हैं, वो उन्हें अपने वक्तव्य में, अपने भाषण के दौरान कवर करने की कोशिश करते हैं ताकि पब्लिक तक वो बात पहुंचे। आप याद करेंगी कि छत्तीसगढ़ के जो प्रथम मुख्यमंत्री थे, शारिक भाई, उनके साथ काम कर चुके हैं स्वर्गीय अजीत जी जोगी जी, उनकी भी अपनी एक शैली थी। वो भी जब जनता से बात करते थे तो वो जनता मंत्रमुग्ध हो जाती थी, क्योंकि एक शैली होती है और एक कंटेंट होता है, ये दोनों मिलके होती है भाषण। तो भिलाई की रैली देखिए, उसके बाद आप बिलासपुर की रैली देखिए, और अब आप देखिए यहाँ की रैली, बस्तर की, जी जगदलपुर की, आज की रैली जिसकी बात कर रहे थे। हम्म, क्योंकि बिलासपुर में जो एजेंडा था, वहां ओबीसी को टारगेट किया गया, क्योंकि वो जो क्षेत्र है वो ओबीसी बाहुल्य है। बस्तर में आने के बाद अगर आपने आदिवासी की बात नहीं की तो बस्तर उसके बिना अधूरा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरुआत कहां से की कि मैं आप लोग के साथ, मेरा सीधा संबंध है, मैं बहुत पहले से छत्तीसगढ़ आता रहा हूं, और भाजपा शासन